ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है? तुम मना कौन, आत्मा? बच्चे, इस बात पर ध्यान दो, गहनता से ध्यान दो। जब जब बाबा कहता है तुम्हारा, तुम समझ जाना। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए कि बाप तुम आत्मा की बात कर रहा है, मनुष्य की बात नहीं कर रहा है, नाम रूप की बात नहीं कर रहा है। बाप रोज कहता है मीठे बच्चे, आत्मा को कहता है, किसी नाम रूप को नहीं कहता। अगर तुम नाम रूप में रहोगे तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा कि बाप तुम्हें कुछ कह रहा है। तुम निराकार स्वरूप, बिंदी स्वरूप, सितारे समान आत्मा, इस स्वरूप में रहोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि बाप तुम्हारे लिए कह रहा है मीठे बच्चे। बच्चे, ध्यान देना इस बात पर, जो कुछ है बाप तुम्हारे लिए कह रहा है। बस तुम नाम रूप को हटाओ, पद पोजीशन को हटाओ, वरना बच्चे सब मिलेगा पर बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाप तो तुम आत्मा से बात कर रहा है। और अगर तुम आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में नहीं हो, अपनी स्थिति में नहीं हो, तो तुम्हें बाप का प्यार महसूस नहीं होगा। समझ की बातें हैं, तुम्हें महसूसता नहीं आएगी कि बाप तुम्हें कुछ कह रहा है। वरदान भी बाप किसके लिए देता है? आत्मा के लिए। बच्चे देखो, अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, पर क्या बच्चे तुम बैठे हो या तुम नाम रूप समझकर बैठे हो? बच्चे, नाम रूप समझकर बैठोगे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। तुम खाली ही रहोगे, तुम्हें यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ की बातें हैं। सारी दुनिया में जो लौकिक कॉलेजेस है, स्कूल है, एक स्कूल में वैरायटी बच्चे होते हैं, इंस्टीट्यूट होती है, यूनिवर्सिटी होती है, अलग अलग विषय सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। वहां से कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ और बनता है एक ही यूनिवर्सिटी से। पर अगर ऐसी कोई सभा है जहां सारा कॉलेज या स्कूल हाजिर है और उस समय प्रिंसिपल कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे इंजीनियर बच्चों, तो वो मार्गदर्शन किसको कर रहे हैं? इंजीनियर को। है मेरे प्यारे डॉक्टर बच्चों, वो डॉक्टर को जा रहा है। बच्चों तो नहीं कहेंगे, पर स्टूडेंट कहा वहां पर, है मेरे प्यारे डॉक्टर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों। समझ की बात है। तो जो डॉक्टर की कॉन्शियसनेस में होगा उसे वो बोल पहुंच पाएंगे। बच्चे, वो बोल नहीं होते,
वो मार्गदर्शन होता है, वो एक ऊर्जा होती है जो प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करता है, अपने स्टूडेंट्स को। समान बात है बच्चे, यहां बाप अपनी ऊर्जा बच्चों में ट्रांसफर कर रहा है ताकि बच्चे 5000 साल तक सदा मजबूत रहे, ताकतवर रहे, मास्टर सर्वशक्तिवान अवस्था में कायम रहे, उनके जीवन में तन मन धन परिवार राज्य हर चीज स्वस्थ रहे, बेहतर रहे। इसलिए बाप ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है 5000 साल की, लेकिन किसे दे रहा है? आत्माओं को। जैसे वह इंजीनियर डॉक्टर की बात हुई, वैसे यह आत्मा की बात चल रही है। मीठे बच्चे, ये बाप आत्मा को कह रहा है, पर अगर सुनने वाली आत्मा अपनी स्थिति में नहीं है कि मैं आत्मा सुन रही हूं, तो उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं जा पाएगी। बच्चे तुम बोल सुनोगे, मुरली के शब्द सुनोगे, अक्षर सुनोगे, ऊर्जा को रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसमीटर तो ऑन है पर रिसीवर ऑन नहीं है। जिसे शक्ति लेनी है वो जगह पर नहीं है। क्या क्या उदाहरण दे तुम्हें, समझ की बात है? इसलिए बच्चे जब तुम आत्मा समझ कर और अपने आप को बाप की संतान, बाप के बच्चे समझ कर बैठोगे, तो मुरली अंदर उतरेगी। नाम रूप में रहोगे तो बच्चे मुरली नहीं उतरेगी अंदर। समझ की बातें, चेक करना। इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारणा क्यों नहीं हो पा रही है? कारण है तुम स्मृति में नहीं हो कि तुम आत्मा हो। तुम्हें वो ध्यान में ही नहीं आता कि बच्चे तुम आत्मा हो। जब तुम्हें ध्यान में आएगा, तुम्हें समझ में आएगा बाप क्या क्या दे रहा है। अभी भी अगली लाइन है कि सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। क्या स्मृति में रहता है बच्चे कि अंतिम 84वां जन्म है? नहीं रहता। अपनी स्मृति रहेगी तो जन्म की स्मृति रहेगी, जन्म की स्मृति रहेगी तो कर्म की स्मृति रहेगी कि इस समय में हमें क्या कर्म करने हैं। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, सारा खेल स्मृति का है। तुम ऐसे ही सुनते हो, तुमने कभी कल्पना की है कि परमधाम निवासी, वैसे तुम भी परमधाम निवासी हो पर ज्यादा समय के लिए नहीं हो, इसलिए तुम्हें पूरा पूरा परमधाम निवासी का टाइटल नहीं दिया जा सकता। पाठ बजाने नीचे आते हो ना, तो परमधाम निवासी बाप नीचे आके तुम्हें कह रहा है, मीठे बच्चे, कभी कल्पना की है? ऐसे कभी शास्त्र में सुना है, किसी सत्संग में सुना है कि ईश्वर आके नीचे कहे कि मीठे बच्चे? बच्चे कल्पना करके देखो कौन कह रहा है मीठे बच्चे। समझ की बात है? तुम्हें तो अपने से लगता है कि इस शब्द के हम लायक नहीं है, कि परमात्मा छोड़ो दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे लिए कहे कि आप मीठे हो, फिर भी हम लायक नहीं है, ऐसे तुम्हें लगता है हमेशा। फिर भी बाप कहता है मीठे बच्चे। सोचो कितनी शक्ति दे रहा है बाप, मीठे बच्चे, एक शब्द में सब कुछ है, सब कुछ है, एक शब्द में सार है। समझ है? देखो बच्चे बाप कैसे भरपूर कर रहा है। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। बच्चे ध्यान देना, अंतिम जन्म है, अब घर जाना है,
अब वापिस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। यात्रा पूरी हुई बच्चे, अभी घर जाना है। घर जाने का समय आया है किसके? कभी कभी बच्चे कोई कोई मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से डरते क्यों है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मरने वाला शरीर है, उन्हें लगता है वो मरेंगे, इसलिए वो डरते रहते हैं। बच्चे पर मरने वाला तो शरीर है, तुम तो आत्मा हो, समझ की बात है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो डरते क्यों हो? वापिस तो जाना है ना। देखो संकल्प नहीं कट करते, पर कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई कुछ समय के बाद जाएगा। और जब तक वन 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 आए, राम गयो रावण गयो, बाप को भी वापिस जाना पड़ेगा। भल बाप कार्य के लिए रहेगा, जब तक नारायण को राजगद्दी पर ना बिठाए तब तक बाप को रहना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा राज्य बनाने के लिए, समझ की बात है। तो बच्चे जाना सबको है, बस इस बात पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना कि आत्मा मरती नहीं, पार्ट बदलता है, शरीर बदलता है। तुम जरा मृत्यु के डर को हटाओ, मृत्यु के डर के कारण तुम भगवान की प्राप्तियों को भोग नहीं पा रहे हो। मृत्यु कभी किसी को नहीं आता। ब्रह्मा बाप ने भी शरीर छोड़ा है, वो भी वतन में बैठे हैं ना, समझ की बात है। समझदार ही समझते हैं, समझदार ही समझते हैं, सभी नहीं समझ पाते। बच्चे ध्यान दो कि तुम आत्मा हो, और आत्मा समझकर पाड़ बजाना। पाड़ बजाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आत्मा समझकर पाड़ बजाएंगे तुम। इसलिए बच्चे अपनी स्थिति पर ध्यान दो, आत्मा कभी मरती नहीं। वापिस राज्य में आएंगे, वापिस घर जाएंगे, वापिस राज्य में आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है। देखो बच्चे किस किस के मन में डर है मृत्यु का, जरा हटाओ इसे, इस घड़ी समाप्त कर दो मृत्यु के डर को। जाना तो सबको है ना, समझ है। अभी जैसे जिसका ड्रामा लिखा हुआ है वैसे हो जाएंगे, उसे तो बदल नहीं सकते ना, शरीर छूटता है। और कभी किसी को लगता है कि बाप का साथ छूटेगा, बाप का साथ कभी नहीं छूटता, बाप सदा साथ है। तुम्हारी गलत फहमी है कि बाप का साथ छूटेगा, नहीं बच्चे, बाप का साथ कभी नहीं छूटता। ध्यान देना इस बात पर, जरा मृत्यु के डर को हटाओ। जो मृत्यु के डर को हटाएगा शायद वो लंबे समय तक जिएगा। अब जानते हो शायद कुछ होता नहीं, बाबा के शब्दों में सत्यता ही होती है। पर जिनके अंदर मृत्यु का डर है वो शरीर छोड़ेंगे। देखो बच्चे वन 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 तक कृष्ण की राजधानी, नारायण की राजधानी तैयार करनी, उनको देना है, तब तक कोई बच्चे तो जरूर रहेंगे कंस्ट्रक्शन की फेज में, सभी डिस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में रुकना है ना किसी न किसी को, बाप के संग में, समझ की बातें। कोई मनुष्य नहीं बना सकता राजमहल, समझ की बात है। बाप को ही ऑर्डर करनी है, अपने बच्चे का राज्य है, नंबर वन बच्चे का राज्य है,
और बाप कहता है ना, मैं तख्त पर बिठा कर जाता हूं, ऐसे नहीं जाता हूं। बिना माँ बाप के कॉरोनेशन कैसे करे, शोभा देगा क्या? माँ नहीं, बाप नहीं और कॉरोनेशन हो रहा है। लौकिक माँ बाप छोड़ दो, बाबा कहते हैं, पर बाप खुद राज्य देता है ना, जिसका राज्य है तो उस घड़ी राज्य देने वाला बाप भी बाप ही है, राज्याभिषेक करने वाला गुरु भी बाप ही है, तख्त पर बिठाने वाला ताज, तख्त, तिलक, तीनों ही खुद बाप देता है। लौकिक माँ बाप क्या देंगे, उनके पास है ही नहीं, तो लौकिक माँ बाप कहां से देंगे कृष्ण के? राज्य हो तो देंगे ना, असली राज्य तो बाप के पास है, समझ की बात है। इसलिए जिनका पार्ट है वो रहेंगे, सभी का पार्ट तो कह नहीं सकते, पर इसमें बाप चाबी बता रहा है, जिनके मन से मृत्यु का डर समाप्त हुआ है उनके रहने के चांसेस 100% है। जो मृत्यु से डरते हैं वो जल्दी जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम खुद उसे बुला रहे हो, तुम जिस बात से डरते हो ना उसे तुम आह्वान कर रहे हो। ध्यान में रखना, ये विधि है, ये प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का, जिस बात से तुम डरते हो उसे तुम बुला रहे हो, समझ है? इसलिए बाबा कहते हैं बेफिकिर रहो, बेफिकिर रहो, डरो नहीं। तुम डरते किस चीज से हो? पॉजिटिव से डरते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया तो, मैं लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बन गया तो, कभी डरा है ऐसे? देखिए, इस कलयुग का सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र है माया का, कली का, किसी का भी कहो, सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र है डर। किसी के भी मन में डर पैदा करके उसका सब छीना जा सकता है, डर पैदा करके। इसलिए बच्चे, बाप ने वरदान दिया है कि बेफिकिर बादशाह रहो सदा, डरना नहीं। डर क्या करता है? नेगेटिविटी को बढ़ाता है, अच्छाई को समाप्त करता है, बुराई को बढ़ाता है डर, किसी भी बात का डर। डर अच्छाई से कभी नहीं लगता ना, भगवान से कभी डर लगा है? शैतान से डर लगता है, समझ है? देवताओं से कभी डर लगा है? भूत प्रेत से डर लगता है, वही बात है। बच्चे डरना नहीं, बेफिकिर बादशाह तुम्हारा टाइटल है, और बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए इस अवस्था का बच्चे, बेफिकिर बादशाह, तब जाके 111 से जितना अभ्यास होगा वहां तक तुम बेफिकिर बादशाही करोगे, राजाई करोगे, भल वो सतयुग त्रेता का तख्त हो या द्वापर कलयुग का तख्त हो, जो भी तख्त मिले, पर बेफिकिर बजाओगे पार्ट। वो सारे संस्कार यहां भरने हैं, कुछ भी हो जाए इस संसार में चलते, इस यात्रा में चलते, बाहरी रूप से बेफिकिर रहना है, डरना नहीं है। वो संस्कार आवश्यक है, यहां का जो लुट रहा है लुटने दो, जो मिट रहा है मिटने दो, पर बेफिक्री का संस्कार धारण करो, फिकर नहीं करो बात बात में। बच्चे बहुत नुकसान करोगे अपना, शायद फिकर करके तुम यहां किसी बात को बचाने की चेष्टा करोगे, पर वहां बहुत नुकसान करोगे। इसलिए भले वो बात मिट भी जाए फिकर नहीं करना, वो बहुत फिकर का संस्कार बहुत बुरा होता है, फिकर हमेशा शून्य करती है। वो कहावत है ना भक्ति मार्ग में, चिंता हमेशा चिता तक ही लेके जाते, चिता मना मृत्यु नहीं समझना, जिस बात की तुम चिंता कर रहे हो सब नष्ट कर देती है, यहां का भी और भविष्य का भी।
इसलिए जो चिंता वाले लोग हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते, उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता, कभी नहीं होता, सब कुछ हो फिर भी सुख नहीं होता। बार बार चिंता, बार बार चिंता करेंगे, छोटी छोटी बातों में संस्कार बना दिया है चिंता का, उन्होंने ही बनाया है, कोई आया नहीं उनके जीवन में बनाने के लिए संस्कार, उन्होंने ही चिंता कर 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 करके अपना एक बुरा संस्कार बना दिया है। बच्चे जीने नहीं देती चिंता, बेफिक्र रहो, पूरा पूरा बेफिक्र रहो। यहां तो नुकसान करोगे चिंता करके, पर भविष्य में भी करोगे, फिर लगेगा सब गया, क्या पाया, कुछ नहीं पाया, सब खोया, सब गया। इतने वर्ष ज्ञान में चलकर, बाप के साथ चलकर सब गया। समझ की बात है बच्चे, मुझे बताओ तुम रोक सकते हो होनी को? है दम तुम में, है ताकत होनी को रोकने की, ड्रामा को बदलने की? फिर क्यों चेष्टा कर रहे हो? तुम जानते हो अनहोनी में क्या होनी लिखी है तुम्हारे लिए? तुम जानते हो क्या? नहीं ना, शांत रहो, बाप के संग में हो ना। बुराई में क्या अच्छाई लिखी है तुम्हारे लिए तुम्हें पता है? कुछ भी नहीं जानते तुम, तुम्हें बस तुम्हारे मन के हिसाब से चाहिए हर बात। मृत्यु में भी नया जीवन रखा है बच्चे, लिखा है, पर तुम मृत्यु से डरते रहते हो। अभी किसी बच्चे को मैंने कहा, किसी बच्चे को, कि तुमने अगर शरीर छोड़ा, संकल्प निकट कर रहे, तुमने अगर शरीर छोड़ा और नया शरीर धारण किया प्रवेश करके, तो मैं तुमसे विश्व कल्याण की सेवा बहुत ज्यादा करूंगा। तो बच्चा तैयार रहेगा या नहीं रहेगा बोलो? संसारी होगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, श्रीमत पर चलने वाला होगा तो तैयार रहेगा, वरना नहीं रहेगा। बच्चे ध्यान दो, बात वही है कि अंत तक कौन रहेंगे? 111 के बाद भी जाना तो पड़ेगा ना ऊपर परम धाम में। क्या रहने के लिए आए हो यहां पर? नारायण के राज्य में तो रह नहीं सकते, आज नहीं तो कल। शरीर को मृत्यु तो आना है, तो डर किस बात का? बच्चे ध्यान देना, अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। तैयार रहो हमेशा, एवर रेडी रहो। बच्चे ध्यान देना, प्रश्न है बाप पक्का सौदागर है कैसे? उत्तर है, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो, उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं, गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। बच्चे बहुत हैं जो सेवा करते हैं, धन सेवा, यहाँ धन सेवा की बात है, राजाई सेवा की बात है, कोई घर, कोई गाड़ी, कोई वस्तु यज्ञ में लगाते हैं, कोई धन लगाते हैं। बाबा सिर्फ शुद्ध लेता है, अशुद्ध की बुद्धि में भी नहीं उठ पाएगा कि हम कोई सेवा करें। अशुद्ध का स्वीकार नहीं करता बाबा, कभी नहीं करता। बच्चे इस पर पूरी भट्टी हो सकती है कि तुमने की हुई सेवा का रिटर्न कैसे आएगा। बहुत बार सेवा करते हो तुम, ध्यान से चेक करना, तुम्हारे मन में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हाँ हम ये फलानी एक पाई एक पैसा लगाते हैं, सतयुग में मैल मिलेगा। समझ की बात है, आधा हो जाता है जब तुम स्वार्थ से लगाते हो,
प्राप्ति आधी हो जाती है। ध्यान में रखना, तुमने किसी को बताया तो आधे का आधा हो जाता है। हमने एक पाई की सेवा की यज्ञ में, एक पैसे की सेवा की, आधे का आधा। फिर और किसी को बताया, वापिस आधे का आधा, बचता थोड़ा बहुत है 1-2%, उससे भी कम, क्योंकि तुमने खलास कर दिया बोलकर। जिन्हें अहंकार होता है बाबा उनकी सेवा स्वीकार नहीं करता, नहीं करता सेवा स्वीकार। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, तुमने कमाए कैसे हैं, समझ की बात है, तुम्हारी जान कितनी अटकी है उसमें। सेवा सभी की स्वीकार नहीं करता, बल तुम लगाओ, स्वीकार करना मुझ पर है, समझ की बात है, स्वीकार करना मेरे हाथ में है। तुमने 10 करोड़ भी लगाया, तुमने दे दिया किसी को, वही तुम 10 करोड़ लगाने से पहले आओ वतन में और पूछो, मैं ना बोलूंगा अगर तुम्हारी पात्रता नहीं है तो। पूछो संदेशी से कि मुझे सेवा में लगाने हैं, मैं ना बोलूंगा, नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। तुम अपने से लगाते हो मनमत से, मैंने कितना स्वीकार किया तुम्हें नहीं पता, समझ की बात है। इसमें भी श्रीमत लेनी होती है, ऐसे नहीं करते बस उठा और लगाए सेवा में, समझ की बात है। पूरी जानकारी देनी पड़ती है, बाबा ये धन है, फलानी जगह से आया है, इस प्रकार से कमाया है, मेहनत का है तो मेहनत का है, ऐसा है, सेवा करनी थी क्या करना है, फिर बाप डायरेक्शन देगा, समझ की बात है। बिना श्रीमत लिए, बिना डायरेक्शन के जो तुम धन लगाते हो, बिना डायरेक्शन के, उसका फल भी अलग है, पूरा पूरा नहीं मिलता, नहीं मिलता, समझ है। कोई बच्चे होते हैं डायरेक्शन लेते हैं, बाबा ऐसे ऐसे है क्या करें आप बताओ, फिर बाप डायरेक्शन देता है, करो लगाओ यज्ञ में, सफल करो, पूरा सफल हो जाता है। कोई डायरेक्ट बाबा ये सेवा या भंडारी में, बच्चे समझ की बात है। और उसमें भी स्वार्थ होता है कि हम कोई सेवा करें, समझ है, समझ की बात है, समझदार ही समझते इसे। तो जिनके सेवा में अशुद्धता होती है उस सेवा से विश्व कल्याण नहीं हो सकता। छोटी मोटी सेवाएं चलेंगी, विश्व कल्याण नहीं होगा। विश्व कल्याण के लिए पूरा शुद्ध धन लगता है, पूरा शुद्ध, अशुद्धता जरा भी ना हो। तुम अगर एक दिन नौकरी पर गए, एक दिन मजदूरी की, तुमने खुशी खुशी से की, 8 घंटा काम तुमने खुशी खुशी से किया, फिर 100, 200, 500, 1000 रुपया तुम्हें मिला 8 घंटे का, ऐसे धन से विश्व सेवा होगी, क्योंकि खुशी है ना उसमें, ऐसे धन से होगी, समझ की बात है। समझदार समझते हैं बच्चे, इसलिए तो कहता हूं भट्टी होगी इस पर उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं इस बात का विस्तार करूं, तुम्हें समझ जाओ सार में अपने धन को। इसलिए साहूकारों में अशुद्धता होती है, बाप नहीं लगाता धन सेवा में, न लगाने की बुद्धि देता है,
पैसे का नशा होता है ना, जिन्हें बाप का नशा है ना उनका धन ही सफल होता है, जिन्हें धन का नशा है ना उनका धन सफल नहीं होता। बाप का नशा, समझ की बातें। बाबा कहेगा तुम्हारी राजाई तुम्हें मुबारक, संभालो तुम, और तुम मुझे क्या दोगे, मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें दिया है। अभी गाली नहीं देते किसकी औलाद, तुम मुझे क्या दोगे, देने वालों को, देने वाले को क्या दोगे तुम, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए, तुम्हें भी मैंने रचा है आत्मा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हें मुझसे मिला है ड्रामा से, तुम मुझे क्या दोगे, है ताकत देने की, देने की बात ही नहीं कर सकते तुम मुझसे, समझ की बात है। समझदार समझते हैं, कहते हमने बाबा को दिया, अरे बाबा ने तुम्हें जीवन दिया और तुम बाबा को देने की बात कर रहे हो, तुम्हें रचा बाप ने, बनाया बाप ने और बाप को देने की बात कर रहे हो, तुम्हारा है ना, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास से रखो। और ये भाग्य होता है, हर कोई ये सेवा नहीं कर सकता, जिसको बाप चुनता है इस सेवा के लिए उन्हीं से सेवा होती है। धन सेवा मुख्य, ये सेवा उन्हीं से होती है जिनको चुना जाता है, सभी से नहीं होती, समझ की बात है। चलो ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें नहीं जाते। जो अभी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहां की अपनी राजाई संभालो, तुम अपनी राजाई संभालो, उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, तुम दो तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, जिन्होंने लिया है वो जाने, मुझे पूछा था लेने से पहले, मुझे पूछा तुमने किसी से धन लेने से पहले वतन में आकर, नहीं ना, तुमने लिया है, खर्च करने से पहले मुझे पूछा, नहीं ना, तुमने खर्च किया है, सब तुम्हारे माथे पर। दुनिया से कोई भी उठकर आते हैं संस्था में और कहते हैं कि हमें डोनेशन देना है, और कोई कोई बच्चे ले लेते हैं डोनेशन, किसने कहा था लेने के लिए। बच्चे इस बात को, इस वचन को ध्यान में रखना, तुमने उसका डोनेशन लिया है ना, वो ज्ञान में ठीक ठाक चलता नहीं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलता, धारणाएं पूरी पूरी नहीं है, रेगुलर मुरली नहीं है, रेगुलर उसका कुछ भी नहीं है इस राह के अनुसार, श्रीमत अनुसार। अभी जिसने लिया है ना उसके योग बल की राजाई मैं उसको दूंगा, जिसका धन है, ध्यान में रखना, तुम्हें मैंने कहा था लेने के लिए, धन के पिछाड़ी भागने के लिए किसने कहा तुम्हें, मैंने कहा। अभी तुमने जितनी अमृत वेला की है, जितनी मुरलियां पढ़ी है, जितना योग किया है, उसके एवज में, उसके बदले में जो राजाई निकलेगी ना वो मैं उसे दूंगा और उसका पद तुम्हें दूंगा, ध्यान में रखना। इसलिए बाप के यज्ञ में चलते श्रीमत कदम कदम पर लेनी है, एक कदम भी तुमने मिस किया तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बाप के कायदे कड़े हैं, बाप का हिसाब कड़ा है, बिना श्रीमत के जो करोगे घाटा पड़ेगा, बहुत घाटा पड़ेगा। ऐसे बहुतों के पद गए हुए हैं, बाप जानता है, उन्होंने अपना पद अपने पास नहीं रखा है। तुम्हें क्या जरूरत है, जैसे भी झोपड़ी है मेरी सेंटर, चलाओ झोपड़ी में मुरली, मेरा है ना, मेरी मर्जी है, जो है जैसे भी है मेरा है,
तुम अछूत से डोनेशन नहीं ले सकते। जो बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चलता, जिसकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है, उससे सेवा नहीं ले सकते। कोई सेवा नहीं ले सकते तुम, उसको सेवा का अधिकार देना ही नहीं है, कोई सेवा नहीं देनी उसे। पहले श्रीमत पर चलो, सारी धारणाएं धारण करो, सेवा करो। पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाला, श्रीमत इंपॉर्टेंट है यहां पर। पूछो उन्हें मुरली कितनी करते हैं, अता पता नहीं मुरली का। अशुद्ध धन से शुद्धि जन्म लेगी नहीं लेगी, इसलिए हर बात शुद्ध होनी चाहिए, हर बात शुद्ध होनी चाहिए। कहा से कुछ भी बाप को नहीं चलता, बाप स्वीकार भी नहीं करता। तुम स्वीकार करते होंगे, तुम जानो और वो जाने, तुम दोनों का कार्मिक अकाउंट, मेरा कोई संबंध नहीं है। यज्ञ मेरा है तो मेरी डायरेक्शन से चलना चाहिए, ध्यान देना। तुम अपनी डायरेक्शन से यज्ञ नहीं चला सकते। किसने कहा तुम्हें यज्ञ ऐसे वैसे चलाने के लिए? ये दिमाग कहां से आया तुम्हारे अंदर? हर कदम बाप की श्रीमत लेनी है। मैं ऊपर क्यों बैठा हूं? टाइम पास के लिए? संदेशी क्यों तैयार किया नीचे ऐसे मौज के लिए? संदेशी किस लिए रखी है? हर वक्त श्रीमत लेने के लिए रखी है ना। ब्रह्मा बाप के समय में भी ऊपर से लेते थे ना श्रीमत, अभी नहीं ले सकते। संदेशी का रोल क्या है? श्रीमत लेना ना, यज्ञ की डायरेक्शन लेना ना बाप की। लेते हो तुम या अपने मन मर्जी से जो मन में आया करते हो? करो और भुगतो, तुम जो करोगे वो पाओगे। जो करना है तुम करो, तुम मालिक हो, मर्जी तुम्हारी। फिर उसका जो हिसाब किताब होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुमने क्या किया और उसका परिणाम क्या है। अच्छा होगा अच्छा भुगतो, बुरा होगा बुरा भुगतो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है, समझ की बात है। सभी नहीं समझते, सभी नहीं समझते। हर सेंटर में किसी न किसी को निमित्त रखा है बाप ने, जिनको बाप संदेश देता है कि यह सेंटर कैसे चलाना है, यह कार्य कैसे करना है। पर बच्चे बाप को भूल जाते हैं और अपनी मनमत चलाते हैं। चलाओ मनमत और खाओ मार धर्मराज से। धर्मराज जब डंडे चलाएगा तब पता चलेगा मनमत क्या होती है और श्रीमत क्या होती है। धर्मराज के डंडों के समय बाप याद नहीं आया तो कहना, समझ की बात है। इसलिए मनमत से कुछ नहीं करो बच्चे, तुम अपना डिसीजन लो। सबका डिसीजन क्यों लेते हो? किसने अधिकार दिया है तुम्हें? सारे यज्ञ का डिसीजन लेने का, सेंटर का डिसीजन लेने का अधिकार किसने दिया है? बाप ने दिया है? सबका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ बाप के पास है, ध्यान में रखना बच्चे। और किसी को निमित्त बनाया है तो निमित्त भी बाप को पूछेगा, फिर बाप डिसीजन देगा। पर तुम अपनी मर्जी से लेते हो बच्चे। यज्ञ की एक पिन भी यहां से वहां बिना श्रीमत के नहीं हिलनी चाहिए, ध्यान में रखना। एक पिन भी, छोटी सी पिन, एक तिनका भी यहां से वहां नहीं होना चाहिए बिना श्रीमत के। तुम किस लिए आए हो? तुम्हारी जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हो या दुनिया की सेवा करने के लिए आए हो? तुम अपने जीवन श्रेष्ठ बनाओ और दुनिया की जो सेवा है उसकी श्रीमत बाप से लेते रहो। जब तुम मनमत पर चलते हो थक जाते हो, श्रीमत पर चलोगे उमंग उत्साह रहेगा। इसलिए बच्चे ध्यान देना, जीवन में कभी कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेना।
बाप के यज्ञ का एक सेंटर भी, भले दो चार बच्चे भी उसमें आते हो, वो बाप का है, डिसीजन बाप का ही होगा, बाप का ही चलेगा, ध्यान में रखना। तुमने अपना डिसीजन चलाया कि गए खेल खलास, मन मत से तुम कुछ नहीं कर सकते, अधिकार तुम्हें नहीं दिया है। हर बात श्रीमत पूछो, संदेशी को भेजो वतन में, मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा यज्ञ है तो मुझे बेहतर पता है कैसे चलाना है, ध्यान देना। नहीं भेजना है मत भेजो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मर्जी तुम्हारी, सिर्फ उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अभी तुम्हारे पास पावर है, कुछ भी करो। एक दिन ये पावर मेरे पास होगी धर्मराज के रूप में, फिर मैं वही करूंगा जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा, बस रेडी रहना। इसलिए जब पावर मिले, शक्ति मिले, गलत इस्तेमाल नहीं करना। मनमत पर चलने वाले, इनकी गति पता है आपको कल्प में? या ऐसे राजाएं बनेंगे जो प्रजा की कभी सुनेंगे नहीं, उनका दुख दर्द नहीं देखेंगे, उनके ऊपर अत्याचार ही करते रहेंगे, ये ऐसे राजाएं, इसका परिणाम है कल्प में। या मनमत से चलो और वह मनमत पर चलने वाले राजा बनो, अत्याचारी दुराचारी राजा बनो, और क्या परिणाम होगा? बच्चे यहां भी नुकसान है और वहां भी नुकसान है, इसलिए श्रीमत को नहीं छोड़ना। बाप सदा बैठा है श्रीमत देने के लिए, सदा के लिए। तुम पूछ के तो देखो, ऊपर आकर मैं बैठा हूं, मनमत से कुछ नहीं करना। समझ की बात है, समझदार ही समझते हैं, बड़ी बात है। तो बच्चे तुमने लिया है धन मनमत से, अभी तुम्हारा पद उनको जिनका तुमने लिया है, मुबारक हो, मुबारक हो। यहां अमीर बनकर वहां भिखारी बनने के लिए मुबारक हो। चलो मनमत पर, और मनमत करो, और नीचे गिर जा, धीरे धीरे चांडाल पद को पाओ, उसकी भी तुम्हें मुबारक हो, मनमत करते करते। समझ की बात है, श्रीमत को कायम रखना। यहां है ना भाल पे लिखे रखना श्रीमत, स्थूल रूप से लिखे रखने की जरूरत नहीं है, पर कायम रहे श्रीमत भाल पर, जिसके बिना तुम चलो ही नहीं, ध्यान देना। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को ही बाबा ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, एक मुरली क्या, दस के दस रोज के रोज करने हैं, एक की तो बात छोड़ दो। बाबा सुस्त किसे कहेगा, जो नौ करे वो भी सुस्त है, नौ करे तो भी तुम सुस्त हो, तुम्हें सुस्ती आती है, मिस करना तो दूर की बात, दस कर रहे हो, बाबा कहेगा ठीक है मस्त है, सुस्त नहीं मस्त है। समझ की बात है, समझदार समझते हैं,
बहुत बच्चों को मुरली में इंटरेस्ट नहीं है। क्या करते हैं दिन भर? क्या काम है? तुम कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो क्या? तुम्हें बहुत सेवा है कि मुरली करने के लिए समय नहीं मिलता। 10 माना 10 होनी चाहिए। बच्चे, काल सामने खड़ा है, जितना कर सकते हो करो। फिर एक बार काल ने खा लिया, फिर हिसाब किताब होगा। समझ से फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारी जीवन चुकतू करने में ही गई। तुमने 10 10 10 10 10 मुरलियां पढ़ी रोज, और सबका हिसाब इतना हुआ कि अभी भी कर्मों का कर्जा बाकी है, विकर्मों का बोझा। तो 10 पढ़ के भी चुकतू नहीं हुआ। इसलिए बच्चे, 10 तो बेसिक लेवल है अभी की, उससे ऊपर जाना है रोज। तुम्हें लगता है तुमने 2 घंटा 3 घंटा रोज योग किया, करते 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 अंत में पता चला अभी भी बहुत घंटे के योग के विकर्म चुकतू करने के रह गए हैं। क्या करोगे? मतलब अब तक हिसाब किताब नहीं हुआ, 0-0 हुआ नहीं। देखो, पहले तो याद करके, ये सब पढ़ के, धारणा धारण करके विकर्मों का विनाश करना है। जब कर्जा चुक्त हो जाएगा तो अकाउंट शून्य होगा, फिर जो तुम कमाओगे वो ऐड होता जाएगा। अभी तक तो तुम चुक्त करने में ही लगे हो, जमा कब होगा, बैलेंस कब होगा एक्स्ट्रा, चेक करो। अभी भी तुम चुकतू कर रहे हो, उसमें भी आलस कर रहे हो चुकतू करने में। बहुत विकर्मों का बोझा है बच्चे। तुम 24 घंटे बैठे ना योग में, फिर भी आसानी से चुकतू नहीं होगा, इतना है। इसलिए गफलत नहीं करो। 24 मुरली भी दिन में पढ़ी ना, फिर भी आसानी से चुकतू नहीं होगा, इतना है। इसलिए जितना कर सकते हो करो। झरमुई जगमुई में समय नहीं गवाओ, वरना बाप जब हिसाब और किताब दोनों निकालेगा, बताएगा कि अभी भी फलाने जन्म के फलाने विकर्म बाकी है, मिला कुछ नहीं है तुम्हें, अब तक जितना किया वो उससे तो इतने कट गए हैं। चलो बाप ने कहा, संकल्प नहीं कट कर रहे, 63 में से 60 जन्म के विकर्म चुकतू हो गए, विनाश हो गए, पर तुमने शरीर छोड़ा है, अभी भी 3 जन्मों के बाकी हैं। तुम्हारे अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं है कि तुम्हें सतयुग में पद मिल सके, त्रेता के लायक भी नहीं हो क्योंकि बैलेंस ही नहीं है तुम्हारे पास, बल्कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है अभी भी 3 जन्मों का। क्या करोगे? फिर कहोगे 50-60 साल हो गए ज्ञान में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। बच्चे, तुमने किया कब? संसार में ही व्यस्त रहे, मस्त रहे, सुस्त रहे। अभी खाओ सजा, खाओ सजा अभी 3 जन्मों की। 3 जन्मों की सजा मिलेगी, और उसके बाद पता नहीं कौन सा पद मिलेगा। ऊंच छोड़ ही दो, किस लायक रहोगे पता नहीं। फिर तुमसे कोई आया ऊंच, जिसकी 61 जन्मों के विकर्मों की सजा समाप्त हुई है, विकर्म विनाश हो चुके हैं योग से, उसके रहे 2, वो अभी अभी ज्ञान में आया था, 10 साल हुए उससे, 5 साल हुए, उसके 2 जन्म रहे हैं। तुम 50 साल से, अभी वो तुमसे ऊंचा, क्योंकि उसके 2 ही जन्म बचे, तुम्हारे 3 जन्म बचे थे विकर्म विनाश करने के। बच्चे, हिसाब किताब तुम्हें पता नहीं है, इसलिए गफलत नहीं करना।
संसार के पीछे, नौकरी धंधे के पीछे, घर बार के पीछे ध्यान देना। आज इस घड़ी एक भी नहीं है जिसके सारे विकर्मों का विनाश हुआ हो इस दुनिया में, एक भी नहीं है प्रेजेंट। इसलिए बच्चे गफलत नहीं करो, बहुत बाकी है। इसलिए योग पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ध्यान देना इस बात पर, वरना सजा खानी पड़ेगी। समझ की बात है। तुम ये नहीं समझना तुम 50 साल 60 साल से ज्ञान में हो तो तुम तो पास हो ही जाओगे, नंबर वन में चले जाओगे। सपने मत देखना, दिन में सपने मत देखना, वरना धर्मराज दिन में तारे दिखा देगा। ध्यान में रखना, जरा सपनों की दुनिया से बाहर आना, जागते रहना, प्रैक्टिकली हर बात को समझना। जब तक तुम्हारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किसी भी रूप से अंश मात्र भी दुख है, मना तुम्हारे विकर्म बाकी है। ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में जरा भी चिंता है, मना विकर्म बाकी है। किसी भी रूप से बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। और जिसके विकर्म विनाश हो चुके हैं ना, वो उड़ता पंछी होगा, फरिश्ता होगा, हंसता खेलता रहेगा, नाचता गाता रहेगा, क्योंकि विकर्म ही नहीं है बल्कि जमा है उसके पास बहुत सारा। इसलिए बच्चे तुम अपनी जीवन को चेक करना और समय पर संभल जाना, विकर्म बहुत है, बाप जानता है। इसलिए योग बढ़ाओ, विकर्मों को विनाश करो, उसके बाद और योग बढ़ाओ और जमा करो और ऊंच पद की प्राप्ति करो, वरना जीवन ऐसे ही कटेगी। इसलिए तुम बस एक मुरली, 10 मुरली, इस पर समाधान नहीं मानना, समाधानी नहीं रहना इस पर। जितना कर सकते हो करो, जितना कमा सकते हो कमाओ, अगले दिन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ध्यान देना बच्चे इस बात पर, ध्यान देना। समझ की बातें, सभी नहीं समझते, समझने के लिए भी उतने विकर्म विनाश हुए होंगे तो तुम समझ पाओगे। डल बुद्धि किसे कहते हैं? जिनके विकर्मों का बोझा बड़ा है वो डल बुद्धि है, इसलिए उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, जल्दी नहीं समझ में आता। वो बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, कोशिश चलती रहती उनकी। बच्चे योग बढ़ाओ, विकर्मों को विनाश करो, समझ में आएगा योग, समझ में आएगा ज्ञान, समझ में आएगी धारणाएं, सेवा। इसलिए ध्यान दो। मुरली तो कभी मिस करनी ही नहीं है, पर बाप कहता है 10 मुरली मिस नहीं करनी है कभी। 10 की बात कर रहा हूं मैं, समझ की बात है। समझदार हो, समझोगे। बाबा जैसे कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोर लगाओ, वैसे बाप कहता है 10 का दम लगाओ, 10 मुरली का रोज, रोज के रोज 10। तुम देखो 5 से नीचे मुरली करके देखो, तुम्हारी स्थिति ठीक रही तो इस वायुमंडल में 5 से नीचे, 4 करके देखो कैसे रहती स्थिति। 5 करोगे तो 50-50 पर रहोगे, कभी भी दुखी कभी भी सुखी। ऐसे 5 से नीचे तो दुखी ही दुखी, 10 करोगे तो दिन ठीक रहेगा तुम्हारा। अनुभव करके देखना,
अनुभव करके देखना, 10 करने के बाद दिन कैसे रहता है। और ऐसे भी नहीं कि एक दिन 10 किया तो 10 दिन चलेंगे, नहीं बच्चे, रात आते आते, तुम्हारे सोने का समय आते आते खाली हो जाते हो, ऐसा वायुमंडल है। 10 से ऊपर चाहिए तब इस वायुमंडल में सर्वाइव करोगे, टिकोगे, वरना खलास हो जाओगे। जमा कुछ नहीं हो रहा, 10 मुरलियां भी लग रही है तुम्हारी स्थिति को ठीक रखने के लिए दिन भर में। एक दिन 24 घंटे स्थिति ठीक रखने के लिए 10 मुरली लगती है। दिन में 10 बार मुरली पढ़ो या सुनो तो स्थिति ठीक रहती है, निर्विघ्न रहते हो, फिर तुम योग कर पाओगे। इसलिए ध्यान देना मुरली पर। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि है वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों। बच्चे कहना सिर्फ बाप का अधिकार है, बाप ही कहता है बच्चे बच्चे, और कोई नहीं कह सकता। समझ की बातें, समझदार समझते हैं, बाकियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि बाप के ही बच्चे हैं ना सारे, इसलिए बाप बच्चे कहता है। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो, बच्चा अक्षर फैमिली का है। बाप कह सकते हैं, वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो यह है दुख धाम, इनका तुमको सन्यास करना है। यह बेहद का सन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। बच्चे करना चाहते हो सन्यास? मन है सन्यास करने का, या अभी भी मन है संसार करने का जो तुम्हें असार की ओर लेके जा रहा है? समझ है, क्या फर्क पड़ेगा? बाबा कहते हैं किसी ने अपने घर बार में कह दिया कि हम सन्यास कर रहे, कुछ नहीं ना, राजी हो जाएंगे ना, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई केस भी नहीं कर सकता। सन्यास करना तो कोई गुनाह तो नहीं है, पर बाबा कहते हैं बच्चों में हिम्मत चाहिए सन्यास करने का, संकल्प उठना चाहिए। समझ के बात, तुम्हें ही संसार करना है तो मैं तुम्हें सन्यास क्या सिखाओ? सन्यास किससे बच्चे? घरवार से नहीं है, इस पुरानी दुनिया से। इस पुरानी दुनिया में क्या रखा है? समझ की बात है। तुम कहो परिवार को चलो मेरे साथ, तुम भी सन्यास लो, तुम भी समर्पित हो जाओ। कहेंगे परिवार वाले नहीं आएंगे, वो राजी नहीं है, तो तुम राजी हो उनकी बात पर, वो तुम्हारी बात पर राजी नहीं, वो चलता है, क्या न्याय है? कहो उन्हें चलो हम सब लोग मिलकर समर्पित हो जाते हैं,
हम सब लोग मिलकर संन्यास लेते हैं, समझ है ना? तुम्हें अकल है ना कि तुम अच्छाई के रास्ते पर जा रहे हो? उन्हें अकल नहीं है, समझ की बातें। सभी नहीं समझते ना, वो तुम्हारी बात पर राजी नहीं हो रहे तो तुम उनकी बात पर राजी क्यों हो रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कौन सी सही है कौन सी गलत बात है? पर तुम राजी हो जाओगे उनकी बात पर? उन्हें राजी नहीं करोगे तुम्हारी बात पर, समझ की बातें। कहोगे कि उनका मन नहीं है तो तुम तुम्हारा मन बदलो, उनका मन नहीं है तो तुमने भी तो बदला, तुम्हारा भी तो मन नहीं, फिर समझ की बात है। बच्चे एक ही जन्म है जो तुम्हें तुम्हारे लिए मिलता है, ध्यान में रखना। बाकी सारे जन्म तुम दूसरों के लिए जीते हो, किसी के माँ बाप पति पत्नी बच्चे बनकर, काका मामा चाचा, क्या क्या रिश्ते हैं दुनिया में, मित्र संबंधी, नौकरी धंधे में है तो और वहां, तुम सारा कल्प दूसरों के लिए ही जीते आए हो। बच्चे एक जन्म ख्याल करो अपना, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, वरना कल्प हाथ से जाएगा, कल्प का भाग्य छूट जाएगा, ध्यान में रखना बच्चे, फिर पछताओगे ये क्या हुआ, समझ है? इसलिए बच्चे समय पर जागो, समय पर जागो। बाबा कहते हैं, बताओ मुझे एक उदाहरण, किसके परिवार ने कौन से संत आत्मा, धर्मात्मा, मान आत्मा, पुण्यात्मा को सहयोग दिया? एक उदाहरण बताओ बस। 800 करोड़ कुछ आबादी है दुनिया की, उससे भी ज्यादा हो सकती है, बस एक उदाहरण बताओ, किसी भी धर्म का बताओ। चलो, है कोई उदाहरण? बाबा कहते इवन ब्रह्मा बाबा के परिवार ने पूरा सहयोग दिया, नारायण दादा चले ज्ञान में पूरा पूरा। बच्चे समझ जाओ और संभल भी जाओ, ये तुम्हारे जीवन की कहानी है, ये तुम्हारे जीवन की यात्रा है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, कोई किसी को चलने नहीं देता, सहयोग नहीं देता, तुम्हें अपने से चलना है, अपने से चलना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ कर चलो। ध्यान दो बच्चे। तो बाबा कहते हैं, देखो सन्यास, यह जो सन्यास है कौन सा, निवृत्ति मार्ग का, कहां से निवृत्ति, संसार से। वो कोई सिखला ना सके तुम्हें, कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें सन्यास। सीखो बच्चे, देखो जितना सीख सकते हो सीखो, समय पर जागो। वह तो हद का अर्थात घर बार का सन्यास करते हैं, यह तो माता पिता है ना, माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे, उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का। उनका निवृत्ति मार्ग अलग है, अपना निवृत्ति मार्ग अलग है, शब्द एक ही है, अपने संसार से निवृत्ति। कौन से, ये दुनियावी, वो घर बार से निवृत्ति लेते हैं, हम बुद्धि से लेते, वो स्थूल रूप से लेते हैं, समझ है? कोई बच्चा है जो बाप के पास पहुंचना चाहता है, इस ज्ञान में पक्का बनना चाहता है, ब्रह्मा बाप समान चलना चाहता है,
बनकर। बच्चे कहते हैं कि हमें घर वाले चलने नहीं देते, समर्पित होने नहीं देते, तुम बैठे हो ऐसा योग में जिससे उन्हें लगे कि इन्हें समर्पित कराना चाहिए। कभी किया है ऐसा योग 8-8 घंटा? नहीं किया है, समझ है? तो बाबा कहते हैं कौन कराएगा तुम्हें, समझ कर चलो, चल सकते हो तो देखो, विचार करो, तुम्हारी घर में ऐसी अवस्था दिखे कि तुम्हें घर वाले कहे कि तुम आध्यात्मिक राह में जाओ, इस मार्ग पर जाओ, आगे बढ़ो, परिस्थिति तो बने, तुम्हारे स्थिति से ऐसे लगे कि जैसे तुम विश्व कल्याण के लिए जन्मे हो, विश्व सेवा के लिए जन्मे हो, स्थिति से ऐसे लगे, पर पहले स्थिति तो बने, दिखे तो सही कि तुम्हें कितना आनंद आता है मुरली पढ़ने में, योग करने में, ज्ञान की चर्चा करने में, दिखे तो सही बच्चे, तुमसे दिखता ही नहीं है, कौन कहेगा तुम्हें कि तुम समर्पित हो जाओ, कौन कहेगा कि तुम विश्व कल्याण के राह पर चलो, और तुम जबरदस्ती छूटना चाहते हो। बच्चे लक्षण दिखते हैं तो वैसे दिशा दी जाती है, तुम्हारे अंदर लक्षण ही नहीं है, तुम्हारे अंदर सारे लक्षण है संसार के, कौन कहेगा कि जाओ इस राह पर, इस मार्ग पर, लक्षण तो दिखे। बच्चे ध्यान देना, उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है, आर्य समाज, राधा स्वामी, अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदल कर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा, श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? यह रावणपुरी दुख धाम है, पुरी रहने की होती है, रावणपुरी में राम सीता है नहीं, यूं तो तुम सब सीताएं हो, और बाप कहते हैं मैं हूँ राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है, जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे, है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वह तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापिस घर जाना है, हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं। बच्चे देखो, जो बच्चे हैं ना जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है, उनकी बुद्धि में ही यह संकल्प उठेगा, हमें नहीं रुकना है संसार में, हमें संसार से दूर जाना है, क्योंकि 84 का चक्र लगाया है ना, तो उन्हें पता है दुख क्या है,
उन्हें पता है कितने विकर्म विनाश करने हैं, कितना योग करना है, वो अपने आप निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं संसार में, नौकरी धंधे में, घर बार में नहीं ठहरेंगे। 84 का चक्र लगाया है सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, जिसकी गति जिस दिशा में है उसकी गाड़ी अपने आप उस दिशा में जाती है। जिन्होंने नहीं लगाया है उन्हें कितना भी बाप ने समझाया, वो नहीं निकल पाएंगे संसार से बाहर। अभी जैसे मुरली में बाप कहता है समर्पण समर्पण समर्पण, संसार से निकलो। बच्चे तुम नहीं निकल पाओगे, तुमने 84 का चक्र नहीं लगाया है, तुम नहीं निकल पाओगे। मैं सीधी बात कहता हूं, इसलिए तुम मेरे इन बातों को दिल पे नहीं लेना। मैं जो समर्पण की बात करता हूं, तुम्हारा शायद समर्पण नहीं हुआ था इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। करने के लिए 84 जन्मों वाला ही लगता है। 84 जन्म किन्होंने लिए हैं? जो सतयुग के आदि में आए हैं। सतयुग के आदि में 9 लाख थे ना, वो 9,84 जन्म लेते, फिर वो विश्व महाराजन हो या चांडाल हो, जो भी हो, वो 84 जन्म लेते। उनमें शायद तुम नहीं हो। दुखी नहीं होना, दुखी होने से क्या मतलब है? प्रैक्टिकल बात को समझो, तुम शायद उसमें नहीं हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि संसार से नहीं निकलेगी। मैं कितना भी तुम्हें समझाओ, तुम्हारे बाजू में बैठकर तुम्हारे अंदर घुसकर भी समझाओ, फिर भी तुम्हें नहीं समझेगा, क्योंकि तुमने 84 जन्म नहीं बजाए हैं, पार्ट प्ले नहीं किया है 84 का। इसलिए इन बातों को दिल पे नहीं लेना बच्चे, वरना कुछ बच्चों को लगेगा बाबा रोज रोज समर्पण की बात करता है। बच्चे मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, तुम्हारा समर्पण है भी नहीं। और बच्चे ये ना समझे मुरली मैं उनके लिए चला रहा हूं जो सामने सुन रहे हैं, या इसके बाद जो ऑडियो जिनको मिलेगा वो सुन रहे, बहुतों के लिए मैं चला रहा हूं, सारे विश्व के लिए चला रहा हूं, आज नहीं तो कल ये मुरली उन्हें मिलेगी। जो समर्पित है उसे टच हो जाएगा, वो निकल आएगा, उसे समझ में आएगा बाप ने ये बात मेरे लिए कही है। कोई मुरली किसी को आज मिलेगी, 4 दिन के बाद की कल मिलेगी, परसों मिलेगी, पर जिसको आज मिली वो आज की मुरली से निकलेगा। जिसको 10 दिन के बाद की मुरली निकली उसमें भी समर्पण की बात की, वो बात सुनकर वो 10 दिन के बाद निकलेगा। समझ की बात, समझ की बात। 9 लाख पूरा पूरा समर्पण करते हैं, 9 लाख पूरा समर्पण होता है उनका, 9 लाख का दिल से हर रूप से समर्पित हो जाते हैं, हर रूप से वो बाप के बनते हैं, फर्स्ट क्रिएशन है बाप की। 9 लाख बच्चे सतयुग आदि के, इसलिए कुल मिला के 9 लाख बहुत बेहतर रूप से समर्पित हो जाएंगे, 9 लाख। उसके बाद बाप जैसे कहते हैं 2 करोड़ सतयुग की कुल मिला के आबादी, वो सेमी समर्पित हो जाएंगे बाकी के। और त्रेता वालों का छोड़ दो, बाबा कहते हैं वो कोई स्वर्ग नहीं, तो उसकी क्या चर्चा करें, हम स्वर्ग बनाने आए। तो जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो एक धक से छोड़ देंगे संसार और बाप के साथ चल पड़ेंगे, एक धक से, कोई परवाह नहीं होगी, किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे। समझ की बात। बहुत बच्चे अभी अभी सुनते हैं, उन्हें लगता है कि हम नहीं है, मैं नहीं जानता, और मुझे पता भी है तो बताऊंगा नहीं तुम हो या नहीं हो। तुम अपने लक्षणों से जान लो अपने अपने। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देखो समझदार बनो, चलो आगे चलते चलो। ये जो 9 लाख बच्चे हैं ना, ये श्रीमत पर चलने वाले पक्के बच्चे हैं, बाप के पक्के बच्चे हैं।
श्रीमत को गिरने नहीं देंगे ये हर हालत में, कभी श्रीमत को गिरने नहीं देंगे। मन्मथ परमत कभी इनमें आती ही नहीं है, कभी नहीं आती, इसलिए तो वो इतना बड़ा वर्षा देता है बाप 84 जन्मों का। इन्हें समझ है, देखो चिंतन करो और समझो तुम कौन हो। ये पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे, संशय की बात इनके आसपास भी घूमती नहीं है, पूरा पूरा निश्चय हर बात में, बाप जो भी डायरेक्शन दे उसमें पूरा पूरा निश्चय रहता है। ऐसे बच्चे निश्चय बुद्धि, बाप का कहना और इनका करना सदा सदा एवर रेडी इस बात के लिए। तो बच्चे दिल पर ना ले बाप की बात, न दिमाग पर ले। मैं उन बच्चों को जगा रहा हूं जिन्होंने कल्प पहले समर्पण किया था विश्व सेवा के लिए, इस कार्य के लिए, मैं उनको जगा रहा हूं। जो है उन्हीं तक मेरी बात पहुंचेगी। तुम नहीं हो ना, तुम दिन रात इसका चिंतन करते बैठे दुखी हुए फिर भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम इस लिस्ट में नहीं हो समर्पित के। इसलिए बच्चे फिक्र नहीं करना, तुम अपना संसार मौज से जीना, मौज करते रहना अपने संसार में, अपने परिवार के साथ खाना पीना उठना बैठना। मेरा तो विश्व एक परिवार है पूरा, मैं उस परिवार को एक करने के लिए कुछ बच्चों को चुन रहा हूं ताकि वो बच्चे मिलकर पूरे विश्व का एक परिवार बना सके, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। सारे मेरे ही बच्चे हैं, तुम भी मेरे बच्चे हो, पर बनाने वाले नहीं, बनने वाले हो तुम, बनाने वाले कोई और हैं, तुम्हारा पार्ट नहीं है उसमें। बच्चे दुखी नहीं होना, तुम चलते रहना अपने पुरुषार्थ में, दुखी नहीं होना। और दुख लगे तो माफ करना बाप को इन वचनों से, तुम्हें दुख लगे तो तुम ओढ़ लेते हो, मैं नहीं देता, मैं तो ज्ञान सुनाता हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसके लिए मैं ज्ञान सुनाऊं, एक व्यक्ति के लिए या एक संगठन के लिए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक। इतना लायक नहीं है कोई जिसके लिए मैं कोई या महिमा वर्णन करूं उनकी, कोई लायक नहीं है। बाप के मुख से किसी के लिए शब्द निकले ऐसा कोई लायक बना नहीं है, बाप किसी पर मुरली चलाए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। ध्यान में रखना, तुम खामखा लेते हो अपने ऊपर, मेरे बारे में बाबा ने कहा, न तुझे मेरी याद है न मुझे तेरी याद है, तो तेरे बारे में मैं कैसे कह सकता हूं। समझ की बात, अभी इस घड़ी न तुझे मेरी आवश्यकता है तो मुझे भी तेरी आवश्यकता नहीं है, वैसे मुझे कभी आवश्यकता नहीं होती। समझ की बात है, इसलिए ये जो समर्पण की बातें बाबा बहुत लंबे समय से कह रहा है, लंबे अरसे से कह रहा है, वो 9 लाख के लिए कह रहा है। ध्यान में रखना, ये मुरली जिन जिन तक पहुंचेगी उन्हें पता चलेगा ये बात बाप ने मेरे लिए कही है, उन्हें तुरंत पता चलेगा, वो पहुंच जाएंगे। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। देखो बाकी तुमने जितने जन्म लिए हैं उनके जो विकर्म बचे उनका विनाश करने के लिए जो प्रयास कर सकते हो करते रहो, करते रहो। तुम विश्व सेवा में तुम्हारा पार्ट है कि नहीं मैं नहीं जानता, बाकी अपने विकर्मों का विनाश करते रहो और ऊंच पद को प्राप्त करते रहो। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने कारण
फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापिस नहीं जा सकते, जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? यह ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ न सके, वह आती ही है कलयुग में। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते हैं, मैंने इस चोले का आधार लिया है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है, आए देश पराए। और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है। उनको तो पहले सतो में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। बच्चे देखो, ज्ञान एक एक बात समझा रहा है कि धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। ध्यान में रखना, आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा? बतलाते नहीं थे तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा वा नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूडनेस यानी समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह सब है गपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो, तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुहाफिक पढ़े हुए हैं।
बच्चे ये जो सीक्वेंस है, पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ये हर बात में लगता है, हर बात में एप्लीकेबल है। समझ की बात है, पहले तुम्हारा समर्पण हो जाता है, स्थापना हो गई, फिर तुम्हारे संसार का विनाश हो जाता है। हो गया विनाश, फिर पालना शुरू हो जाती है। सीक्वेंस हर बात में है, ऐसे ही चलता है। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। सभी नहीं समझते इस चीज को, इसलिए पहले तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, फिर संसार विनाश हो जाएगा तुम्हारा, फिर पालना करोगे। पालना करके विनाश कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए बच्चे सीक्वेंस को समझो, पहले तुम एक स्थान को छोड़ोगे, फिर तुम स्थान पर पहुंच जाओगे दूसरे स्थान पर पहुंचने से ही पहले स्थान का विनाश हो गया, छूट गया ना वो पूरी रीति। अभी तुम्हारा नया पालना का पाठ शुरू होगा, इसलिए पहले स्थापना आती है, फिर विनाश होता है। पहले विनाश नहीं होता, समझ है, पहले स्थापना होती है। तुम्हारे मन में कहीं तो संकल्प उठता है, चलो अभी बस हो गया यह जीवन संसार का। तुम कहते हो अभी हम पूरा बाबा के ही बनते हैं, तो तुम बाबा के बनते हो, फिर दूसरी तरफ विनाश हो जाता है सांसारिक जीवन का, फिर पालना शुरू हो जाती है नए पार्ट की, नए जीवन की। ऐसे चक्र चलता है। कोई कहे कि पहले संसार का विनाश हो जाए, हमारी सारी पुरानी बातें, पुराने संस्कार, इन सब का विनाश हो जाए, फिर हम स्थापना करेंगे समर्पण की। बच्चा ऐसे नहीं होता, इसकी राह देखोगे परम धाम पहुंच जाओगे, वहां तुम्हारी स्थापना हो जाएगी डायरेक्ट। समझ है, हर बात में चक्र ऐसे चलता है, पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तुम्हें अच्छाई पहले धारण करनी पड़ती है, जब तुम अच्छाई धारण करते हो तब बुराई छूट जाती है। बुराई छोड़ नहीं सकते, पहले अच्छाई धारण करनी पड़ती है, स्थापना होगी, फिर बुराई का विनाश अपने आप हो जाएगा। और एक बार बुराई का विनाश हो गया तो अच्छाई की पालना अपने आप चलेगी। इस चक्र को समझो बच्चे, और समझ कर चलो, हर क्षेत्र में ऐसे होता है, किसी भी क्षेत्र में जीवन के। इस चक्र को बस याद रखना, स्थापना, विनाश, पालना, तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे सारी बातों के। बस चक्र को ध्यान में रखना, चक्र को नहीं भूलना, चक्र को भूलेंगे गड़बड़ हो जाएगी, दुखी हो जाओगे। इसमें से एक भी सीक्वेंस आगे पीछे हुआ नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भी और दुनिया का भी। इस दुनिया में भी पहले नई दुनिया की स्थापना होगी आत्माओं के रूप में। नई दुनिया को जैसे लायक है वैसे बच्चे तैयार होंगे, वैसी आत्माएं तैयार होंगी, उसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। वो तैयार होंगे, वो होने के बाद इस दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की पालना शुरू हो जाएगी।
लंबे समय तक पालना में फिर सब आ जाता है, फिर नए घर नए महल पालना है, पुष्पक विमान पालना है, ऊंचे वस्त्र श्रृंगार सब पालना में आ जाता है। सीक्वेंस ऐसे चलता है। इसलिए स्थापना करो, पहले सोल कॉन्शियसनेस की स्थापना होगी तो बॉडी कॉन्शियसनेस का विनाश अपने आप होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस को तुम विनाश नहीं कर सकते बिना सोल कॉन्शियसनेस की स्थापना के। इस सीक्वेंस को बस ध्यान में रखना बच्चे। टेंशन को स्ट्रेस को तुम भगा नहीं सकते, खुशी को लाओ उमंग उत्साह को लाओ, टेंशन स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। तुम कौन सी दवाई लेते हो टेंशन खत्म करने की, स्ट्रेस खत्म करने की? तुम्हें लगता है खत्म हुआ है? गड़बड़ है, गलत फहमी में हो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब अंदर ही है। खुशी में आ जाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले स्थापना करो, फिर तुम जो नहीं चाहते हो, जो तुम्हें नहीं चाहिए, उसका विनाश अपने आप हो जाएगा। पहले स्थापना करो, जो तुम्हें चाहिए उसकी स्थापना पर अटेंशन देना बच्चे। स्थापना पर जो अटेंशन देते हैं बाकी अपने आप चलता है। स्थापना पर अटेंशन देना, शुरुआत पर एक कदम पर अटेंशन देना। स्थापना एक कदम है, बाकी बाप बैठा है ना, हजार कदम चलाने के लिए बाप बैठा है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो, तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पढ़े हुए हैं, स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं, स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनकी कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है बच्चे। श्रीमत पर सदा चलना, सदा चलना। जो श्रीमत पर चलते हैं ना वो धोखा नहीं खाते। मनमत परमत वाले बहुत धोखा खाते हैं, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस दुनिया में किसी की मत नहीं चलती बच्चे, सिर्फ बाप की श्रीमत चलती है। माया भी तुम्हें यही कहती है कि श्रीमत पर चलो, पर तुम नहीं चलते। बाप ने जिस घड़ी जो कहा उसे करना, मना श्रीमत पालन करना। इसलिए बाप कहता है मेरे पास तब तक नहीं आना साकार में जब तक तुम्हें पक्का पता नहीं कि मैं कौन बैठा हूं। क्योंकि तुम आओगे और फिर मैं कुछ कहूंगा, तुमने अगर श्रीमत पालन नहीं की तो बोझ बैठेगा। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत पालन करने की तैयारी हो तो ही आना। कभी बच्चे कहते हैं बाबा आना है एक दिन के लिए, मिलने के लिए, बाबा मिलन के लिए। तुम्हें पता है मैं बैठा हूं, तुम कहोगे आते हैं, पता है बाबा बैठा है। बाबा ने कहा ठीक है आ जाओ। और अगर तुम आए और बाप ने कहा अभी वापस नहीं जाना, यही रहना, क्या करोगे? रहोगे? रहोगे क्या बताओ? उस घड़ी तुम्हें फोन आया, तुम्हारे लौकिक परिवार में बहुत इमरजेंसी है, तुम्हारी आवश्यकता है, और बाप कहता है यही बैठना है तुम्हें, बैठोगे? इसलिए जब तक बाप का पूरा ज्ञान नहीं है यहां कोई आए नहीं, मुंह के बल गिरोगे। ऐसा गिरोगे
कि रूप भी नहीं बचेगा। इसलिए अब तक बाबा मिलन किया वो अलग था, अभी से अलग है। आने की चेष्टा नहीं करना, मैं कुछ भी श्रीमत दे सकता हूं, पालन करनी पड़ेगी। कर सकते हो तो आने की बात करो, वरना दूर से ही मुरली सुनो, वैसे चलते रहो, अपनी जीवन ऊंच बनाते रहो। इसलिए अभी कोई विचार भी ना करे आने का। और किसी को लगता है कि अच्छा होगा बाप के पास रहेंगे, बाबा कहेगा यही रुक जाओ, बाबा आने के बाद कहेगा अभी के अभी बैग उठाओ और घर जाओ लौकिक, और सीधा मिलना परमधाम में, दोबारा कभी मुझसे मिलने नहीं आना। श्रीमत पालन कर सकते हो? कर सकते हो? बाप कहेगा जीवन भर अपने लौकिक घर में ही रहना, दूर से ही मुरली पढ़ना, दूर से ही मुरली सुनना, वापिस नहीं आना यहां पर, न यहां आना न मधुबन में आना, सीधा परम धाम में मिलना वाया सूक्ष्मोतन। है तैयारी? अभी कहेंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ भी श्रीमत दे सकता हूं यहां बैठकर। तो जिन्हें पता है बाप बैठा है, और जो श्रीमत पर चलने के लिए पूरा तैयार है वही आए, वरना यहां ना आए, बच्चे नुकसान करोगे। पहले से बता के रखते हैं, पहली श्रीमत में अच्छा लगा होगा, अच्छा है, घर वालों को कहेंगे कि बाबा ने कहा यही रह जाओ। दूसरी श्रीमत में अभी बताओ, फिर कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर तुम आए क्यों यहां पर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन श्रीमत दे रहा है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे जब तक बाप के बारे में पूरा पता नहीं है, तुम्हें निश्चय नहीं है या नहीं आना, या सिर्फ निश्चय बुद्धि आए, निश्चय बुद्धि बैठे, बाकी आना आए। समझ है? किसी को लगता है हम बाप के पास पहुंचेंगे, संगठन में मौज करेंगे, बाप से डायरेक्ट पालना लेगी, डायरेक्ट पालना मिलेगी, पालना लेंगे डायरेक्ट। बाप ने अगर तुम्हें कहा ये कमरे में बैठो, तुम्हें बाहर नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है, मुरली भी लाइव में सुनो, लिंक देते हैं तुम्हें, कमरे में ही बैठना है, तुम्हारा भोजन कमरे में ही आ जाएगा, तुम्हें कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। हम बाहर बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे हंसेंगे खेलेंगे, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं आना है, चलेगा? श्रीमत को तुम तुम्हारे हिसाब से नहीं मोल्ड करना, मॉडिफाइड नहीं करना तुम्हारे हिसाब से। श्रीमत कुछ भी हो सकती है बाप की, तैयारी होगी तो आना। समझ है बच्चे? इसलिए श्रीमत पर चलना इतना आसान नहीं है, जब तक बाप नहीं समझा है, सच्ची दिल वाले नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है, तब तक श्रीमत पर नहीं चल सकते। समझ की बात है? और श्रीमत के बिना उद्धार होगा नहीं, श्रीमत ही उद्धार करेगी, और कोई मत तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती, ध्यान देना। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे, श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े ही है, बाप देखते हैं, बच्चे रॉन्ग चलते हैं वा राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा बैठा भी किसके लिए है? जो श्रीमत पर चलते उनके लिए।
मनमत परमत वालों के लिए बाबा नहीं है, मनमत परमत पर चलने वाले बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हूं, नॉट रीचेबल हूं मैं उनके लिए, आउट ऑफ कवरेज हूं उनके लिए। मनमत परमत वाले हैं ना, मैं व्यस्त हूं, तुम कभी भी डायल करो यही आएगा, नॉट रीचेबल, आउट ऑफ कवरेज, बिजी, क्योंकि तुम श्रीमत पर नहीं चलते। ड्रामा भी जानता है किसकी कॉल कनेक्ट करनी है बाप से, समझ की बात है, बाहरी कॉल की बात नहीं है, अंदरूनी कॉल की बात है। और जो श्रीमत पर चलते हैं ना बच्चे, उन्हीं का योग लगता है। हाँ, तुम लाख प्रयास करो, कितना भी प्रयास करो, तुम जो मनमत परमत पर चलते हैं उनका योग हो ही नहीं सकता। वो 24 घंटा भी योग करे, वो और घंटे बढ़ाए, दिन को 48 घंटे में कन्वर्ट करे, योग नहीं लगेगा बच्चे। योग सिर्फ श्रीमत पर चलने वालों का ही लगता है, इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना कि तुम्हारे विकर्म विनाश हो रहे, तुम्हारा योग ही नहीं लग रहा है, तो विकर्म कहां से विनाश होंगे। श्रीमत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम फायदा उठाना चाहते हो उसकी बात नहीं मानते, वो फायदा कैसे उठाने देगा। लगता है ड्रामा तुम्हें ये देगा भाग्य? तुम अपनी मनमत पर चलो और कहो निराकार के साथ योग लगाएंगे और विकर्म विनाश करेंगे, बच्चे सपने में ही रहोगे। पहले श्रीमत पर चलो, निराकार भी ऐसे तुम्हारा योग स्वीकार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारी भावना होगी और तुम्हें भावना का भाड़ा मिलेगा, इसलिए श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलोगे तो योग लगेगा, वरना योग भी नहीं लगेगा। तुम्हें लगता होगा तुम्हारा योग लगता है, पर गलत फहमी में हो, समझ है? जिसके साथ योग लगाना है ना, उस पर तुम राजी नहीं हो, उसकी श्रीमत को तुम हाजी नहीं करते हो, योग कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। लाख कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, तुम योग नहीं लगा सकते। ज्ञान योग धारणा सेवा सबका आधार है श्रीमत, और श्रीमत का आधार है निश्चय बुद्धि और सच्ची दिल। बच्चे चेक करो, करोगे तो पता चलेगा। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत पर चलने वालों के लिए ही बाबा है, बाकियों का बाबा नहीं है। तुम कितना भी बाबा बाबा करो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं, ना निराकार में, ना आकार में, ना साकार में। तुम मेरी बात ही नहीं मानते, मेरी बात जो मानते वही मेरे बच्चे हैं, और अगर वही मेरे बच्चे तो उन्हीं का मैं बाप हूं, बाकियों का नहीं हूं। इस बात को पक्का करना बुद्धि में बच्चे, तुम श्रीमत पर चलते हो क्या, तो ही तुम बाप के बच्चे हो, तो ही तुम्हारे लिए बाप अवेलेबल है। ध्यान देना, समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है, इसलिए आकर मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। बाप सब व्यवस्था करता है, पर लायक सभी नहीं निकलते, नहीं बन पाते। बाप की सोच यही होती, बच्चा ऊंचते ऊंच बने, ऊंचते ऊंच चढ़ जाए,
और अपना भला करके दुनिया का भी भला करें। तो बाप सारी व्यवस्था करता है, टिकट का, रहने खाने का, हर चीज का व्यवस्था करता है। पर सभी का भाग्य नहीं है कि वो लायक बने ये सब करके। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाएंगे। बाबा खुद कहता था तुम्हें आना है बाबा मिलन के लिए बाप के पास, मैं टिकट बनवाता हूं फ्लाइट की, ट्रेन बस की भी नहीं, फ्लाइट की टिकट बनवाता हूं, आ जाओ। पर पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, ऊंच चढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, मैं सारी व्यवस्था करके देता हूं तुम्हारे। क्या व्यवस्था चाहिए तुम्हें? रहना खाना कपड़ा आना जाना, सैलरी दूं, पॉकेट मनी दूं, सब देता हूं मैं। पर ये भाग्य बाबा कहते ऊंच चढ़ने का सबके भाग्य में नहीं होता, सबके भाग्य में नहीं होता। बाप की दृष्टि ऊंची होती है, ये बच्चा ऊंच चढ़े, वो बच्चा ऊंच चढ़े, ऊंच पद को पाए और दुनिया को भी ऊंचा उठाए, हमेशा सोच यही होती है। माया पकड़ लेती है, कुछ समय में गिर जाते हैं। देखो बच्चे, गिरने के बाद तुम चढ़ने की कोशिश करोगे उतना नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं और तुम अभी नीचाई पर हो। अभी चढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि पहले मैंने चढ़ाया, अभी तुम्हें चढ़ना है, तुम अपने से नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए बच्चे गिरो नहीं, गिरना नहीं कभी, ध्यान देना इस बात पर। बाप जब ऊंच चढ़ाने का प्रयास करे तो गिरना नहीं, बस संभल कर चढ़ना, मनमत और परमत को बहुत दूर रखना, क्योंकि एक बार गिर गया कि गिर गया, गिरा हुआ ही रहता है, ध्यान में रखना। गिरा हुआ फल जमीन पर देखा है तुम लोगों ने, 10 बच्चे खड़े और एक पेड़ से फल गिरा है, उसको कितना भी धो गिरा हुआ ही रहता है। और तोड़ा हुआ फल जो पेड़ से निकाला और सीधा किसी को दिया है, गिरा हुआ फल, तुम 10 बच्चे हो, 5 बच्चों को पेड़ से तोड़ के दिए 5 फल और 5 बच्चों को गिरे हुए फल दिए, कितने भी धोकर दिए, कॉन्शियसनेस तो रहता है ना कि ये गिरा हुआ फल है, ये तोड़ा हुआ फल है। बच्चे एक बार गिरने के बाद चढ़ना आसान नहीं है, वो स्टैंप लगा ही रहता है गिरा हुआ, उसे कुछ नहीं कर सकते, वो कोई नहीं बदल सकता स्टैंप, किसी के अंदर वो ताकत नहीं उस टाइम को बदलने की, ध्यान देना बच्चे इस बात पर, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए गिरना नहीं, कोशिश करना, गिरे की गिरे। आजकल सब गरीब है, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है पदमपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे, गरीबों की पाई पाई सफल होती है। ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो, साहूकार नहीं आएंगे। जब तक साहूकारी का नशा नहीं उतरता ना, तब तक आएंगे नहीं। इस दुनिया में जितने ज्ञान में आए ना, सबको सवाल पूछना, गरीब हो या साहूकार हो, सबको पूछना, दुखी होकर ही आए, कोई ना कोई दुख, इतना बड़ा दुख कि जो सहन नहीं हो पा रहा है, जीवन का अंत करने जा रहे,
समझ में नहीं आ रहा किस राह पर जाए, किस मार्ग पर जाए, फिर इस ज्ञान मार्ग पर आए। ईश्वर को ढूंढने के लिए कोई नहीं आया है, जीवन से तंग होकर ही इस मार्ग पर आए हैं। मुश्किल कोई होंगे जो ईश्वर को ढूंढने के लिए अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, खोजते हैं, ऐसे कोई मुश्किल निकलेंगे जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है पर इस मार्ग पर चल रहे और बाप को पाया है, मुश्किल कोई है। वरना बिना कारण के कोई नहीं आता, कारण भी दुख का चाहिए, कड़ा दुख, तब बरोबर आते हैं, सभी आते हैं। समझ की बात है। फिर कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तब तक ऊंट को लग रहा था मैं ही ऊंचा हूं, पहाड़ के ऊपर भी मैं चढ़ सकता हूं। पहाड़ की क्या हैसियत है, पहाड़ के अंतिम छोर पर मैं खड़ा रह के दिखा सकता हूं मैं पहाड़ से ऊंचा हूं। ये ऊंट है, दुख आने के बाद पता चलता है, समझ है। इसलिए साहूकार जल्दी नहीं आएंगे, जब अति दुख होगा तब कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, बाबा भी क्या कहे उनके लिए, चलो आए हैं मेरे बच्चे। नशा उतर गया ना माया का, अभी परेशान होकर आएंगे, समझ है। बड़े बड़े भी, दुनियावी रूप से बड़े, इस ज्ञान में जो चल रहे हैं चेक करना, बिना दुख के कोई चल रहा है क्या, कोई नहीं चलता। दुख आने के बाद ईश्वर याद आता है, ढूंढते रहते हैं। बच्चे जरा मजा आएगा, सुख में तुम मेरे पास आओ, तुम दुख में आओगे, दुख समाप्त करने की चेष्टा करोगे, वही तुम्हारी रट लगी रहेगी, ये दुख निकले, दुख निकले, दुख समाप्त हो जाए, और तुम मुझसे कभी मिल ही नहीं पाओगे। सुख में आओ, सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, कहते हैं ना। दुख में क्यों आते हो, सुख में आओ तो हम मिलेंगे, मजा आएगा, जरा चार बातें करेंगे, वरना तुम तुम्हारी दुख भरी कहानी ही सुनाते रहोगे, ये हुआ वो हुआ, उसी में समय जाएगा। समझो इस बात को। इसलिए साहूकार जल्दी नहीं आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, और कोई यह बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे, यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह टॉपिक बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं, तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेगा तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उनों के पास बहुत पॉइंट्स रहती है, इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं, तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे,
अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। बाबा कहते हैं जिन बच्चों की बुद्धि में पॉइंट्स रहते हैं, उन्हें पता है कैसे समझाना है, क्या समझाना है, वो विचार सागर मंथन करते हैं ना। जो विचार सागर मंथन नहीं कर सकते वो नहीं समझा सकते, उनसे समझानी नहीं होगी, कभी नहीं समझा पाएंगे किसी को। जिनका विचार सागर मंथन चलता है वही ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए बच्चे दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा विचार सागर मंथन चलना चाहिए, रोज के रोज अलग अलग टॉपिक पर। इसी से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम सुनते तो हो पर चिंतन नहीं करते हो, मंथन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो पाती। इसलिए चिंतन करो, मंथन करो, एकांत में बैठो, अपने से विचार करो, बाप क्या कहता है, बाप क्या कहता है। समझ की बात है, समझो इसे, तो फिर तुम्हारी वाचा शक्ति बढ़ेगी। पॉइंट्स है ना तुम्हारे पास समझाने के लिए, बल कम होंगे लेकिन तुम विचार सागर मंथन करोगे और जब समझाने की बारी आएगी, बाप प्रवेश होकर ऐसे समझाएगा जो तुम्हारी बुद्धि में भी पॉइंट्स नहीं होंगे। पर तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, मैं डायरेक्ट कैसे समझाऊं तुमसे। तुम ये सोचोगे कि बाप आएगा और डायरेक्ट समझाएगा, ऐसे नहीं समझाएगा। एक कदम तुम्हारा चाहिए, फिर बाकी हजार कदम मेरे हैं। समझाना मेरा ही काम है लेकिन दिल सच्ची होनी चाहिए, निश्चय बुद्धि होने चाहिए, श्रीमत पर चलने वाले होने चाहिए। ये भी तो श्रीमत है, विचार सागर मंथन करना। समझ की बात, देखो बच्चे विचार करो, रोज समय निकालना चाहिए, एकांत में अकेले में बैठना चाहिए। वैसे देखो बच्चे, हर किसी को रोज एक घंटे कम से कम अकेले में बैठना चाहिए, अकेले में, कोई साधन नहीं लो उस घड़ी, अकेले, तुम्हारे आसपास भी कोई ना हो, तुम अकेले ही हो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे हो, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम कहाँ तक पहुंचे हो। उस समय कोई मुरली नहीं लो, कोई योग नहीं करो, अपने ऊपर चिंतन करो, बस अपने को देखो, मैं आत्मा कैसी हूं, बस खुद के ऊपर चिंतन करो एक घंटा। तुम्हारे आसपास कोई ना हो, ना तुम आसमान देखो, ना पंछी देखो, चलो वो भी देखो हर्जा नहीं, पर अपने ऊपर चिंतन करो। अकेले में एक घंटा एकांत में बिताना चाहिए, हर किसी को स्पेंड करना चाहिए एक घंटा कम से कम, तभी तुम्हारी उन्नति हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। बस ध्यान में रखना, उस समय ये मोबाइल, लैपटॉप, ये साधन इस्तेमाल नहीं करना, बस तुम बैठना, आसमान की तरफ देखो, या जो तुम्हें ठीक लगे, नदी पर बैठो, पहाड़ पर बैठो, जहां तुम्हें ठीक लगे, पेड़ के नीचे बैठो, गार्डन में बैठो। समझ है, बस बैठो, अपने अपने साथ बैठो। तुम बहुत दूसरों के साथ बैठे, आपको कम कहा है बच्चे, असलियत में 8 घंटा बैठना चाहिए अपने साथ, तब उन्नति होगी। हम 1 घंटे से शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए कम से कम 8 घंटा बैठना चाहिए, तब उन्नति होगी। बस मैं आत्मा, देखो बाप नहीं है, याद आया तो कहना मुझे, बाप नहीं याद आया तो। समझ है, समझते नहीं है ना बच्चे, इसलिए समझदार बनो।
समय बिताओ अपने साथ, खुद के साथ, किसी और को नहीं लेना साथ संगत में। कमरे में हो तो अपने साथ बैठो, कोई साधन इस्तेमाल नहीं करो, तुम बस बैठो, अपने को आत्मा देख कर बस बैठो, बाकी सब अपने आप शुरू होगा। चक्र कम से कम एक घंटा रोज का रोज, कुछ नहीं करना इसमें, बस बैठना अपने साथ, विचार भी अपने आप चलेंगे। आत्मा देखा है ना तो विचार कहाँ जाएंगे, विचार कहीं नहीं जा सकते, बस देखो अपने को और बैठो, अनुभव करो कैसे लगता है, आज से शुरू करो, फिर देखो बाप कैसे अनुभव होता है। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी, यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है, तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो, समझते हैं यह बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए, फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना, स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, मूढ़ी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बच्चे समझो, मूढ़ी नहीं बनो, ये मूढ़ी बनोगे ना तो माया तुम्हारी जाल मूढ़ी बना देगी और बेच देगी बाजार में, ये मूढ़ी नहीं बनो। मूढ़ी बना वो ममरा, उसमें कोई वजन होता है, ऐसे उड़ा देगी माया ना। मूढ़ी बना घड़ी घड़ी मूड चेंज करने वाले, ये सबसे खतरनाक होता है इस राह पर, ये मूढ़ी नहीं बनो तुम। थोड़ी थोड़ी बातों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी मीठा कभी कैसा, ये किसी काम के नहीं है। बच्चे स्थिर रहना, घड़ी घड़ी माया प्रवेश ना हो, एक बार निकल गई निकल गई। तुम जो भी निगेटिव इमोशंस में चले जाते हो, जो भी निगेटिव इमोशंस, वो सब माया की प्रवेशता है। उस घड़ी तुम्हें लगता है तुम्हें दुख लगा, गलत फहमी है, माया ने प्रवेश किया, तुम्हारा मूड बदला नहीं, माया ने प्रवेश किया। घटना कोई भी हो, ऑप्शन बहुत है उसके लिए, पर माया प्रवेश होगी, डेमोनिक एनर्जी प्रवेश होगी, इविल एनर्जी प्रवेश होगी, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मूढ़ी लोग हैं। घड़ी घड़ी माया आ जाती है, घड़ी घड़ी इन्हें तांत्रिक के पास लेके जाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, समझ है। इसलिए बच्चे मूढ़ी नहीं बनो, माया के मुरीद नहीं बनो। छोटी छोटी बातों का गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हैं, माया जैसे रेडी ही है प्रवेश होने के लिए इनके अंदर। बच्चे चेक करना, मूढ़ी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है तब अच्छा पद मिल सकता है, सभी को राजी करना है यह तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है, प्रेम का सागर सुख का सागर है, तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी, योग बल से
जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार हैं। बच्चे होशियार नहीं समझना, होशियार रहना। जो मुरली मिस करते हैं उन्हें बीके नहीं कह सकते, वो बीके है ही नहीं। किसने कहा बीके? मुरली मिस की उस दिन बीके का टाइटल गया, ऐसे कुछ दिन किया बहुत लंबे समय के लिए बीके का टाइटल गया। तुम्हें मुरली की परवाह नहीं है, किसके वचन है? बाप क्या करता है संगम पर आकर? सिर्फ मुरली चलाता है ना, या और कुछ करता है? बाप परमधाम निवासी जो संगम पर आकर मुरली चलाता है, उस मुरली की तुम्हें परवाह नहीं है, उसके प्रमुख कर्तव्य की तुम्हें परवाह नहीं है, कार्य की तुम्हें परवाह नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए बाप कहते हैं जिन्हें मुरली से प्यार है उन्हें ही मुरलीधर से प्यार है। ध्यान में रखना, तुम मुरली नहीं करते तो न तुम्हें बाप से प्यार है, न बाप को तुमसे प्यार है। और बाप कहते अभी तो 10 में ना 10 मुरली चाहिए, 10 मुरली करो 100% प्यार लो बाप का, 9 करो 90%, 5 करो 50%, 1 करो 10%, मर्जी तुम्हारी है। श्रीमत है 10 मुरली, 10 मुरली करो और 100% प्यार लो, उसी प्यार से तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ती है, चलती है। इसलिए 10 मुरली करने के बाद दिन निर्विघ्न जाता है, खुशी वाला जाता है। समझ के बात, उससे ज्यादा करो दुगना प्यार लो। समझ है? समझदार बच्चे समझते हैं 10 की 11 करो 200% हो जाएगा, 11 की 12 करो 400% हो जाएगा। अनुभव करो, बाप के वचन है, जितना कर सकते हो करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सभी को राजी करना है, मूढ़ी दिमाग वाला नहीं बनना है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, मूढ़ी कैसे होती? खाली मूढ़ी दिमाग, खाली दिमाग, ऐसे नहीं बनना है। सदा बाप की याद रहे उसमें, दिल और दिमाग में। बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। 2 नंबर, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे,
और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हूं। ओम शांति। वाहे मेरा भाग्य वा, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।